इसराइल और हमास के बीच जंग में अब पूरा मिडिल ईस्ट धधक रहा है। हमास के हमले से शुरू हुई ये जंग अब कब थमेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जंग के शुरुआती दौर में इसराइल ने अपने हमलों से गाजा में जबरदस्त तबाही मचाई और कई इलाकों पर अपना कब्जा जमाया, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ जंग तेज हुई इसमें नए नए मोड़ आते गए और इसराइली बलों के लिए हर दिन अब किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता है। IDF गाजा के जिन इलाकों से आगे बढ़ चुकी थी उसे आज फिर वहीं आकर हमास और उसके प्रतिरोधी गुटों से दो दो हाथ करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इजरायली बल गाजा में अपने भीषण हमले नहीं रोक रहे हैं। गाजा आए दिन इजरायली बमों और हवाई हमलों से दहल रहा है, जिसके जवाब में हमास के लड़ाके भी IDF को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और इसी कड़ी में इजरायली बलों और हमास के साथ जंग में इजरायल के 3 सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। इसराइल ने इस बात की पुष्टि की है कि मध्य गाजा में संघर्ष के दौरान उनके 2 मेजर जनरल और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल मारे गए हैं। हालांकि इसराइल ने इनके नाम या कोई जानकारी साझा नहीं की है। हाल के हफ्तों में इजरायली कब्जे वाले बलों ने गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपनी आक्रामकता बढ़ा दी है, खास तौर से देर अल बलाह पड़ोस में। यहाँ इसराइली बलों ने विस्थापित फिलिस्तीनियों द्वारा लगाए गए अस्थायी तंबुओं को भी निशाना बनाया, जिसमें महिलाओं सहित कई लोग गोली लगने से घायल हो गए। इसके साथ ही ड्रोन ने अल शुहादा स्कूल स्ट्रीट के पास अबू आरिफ चौराहे के आसपास के युवा फिलिस्तीनियों को भी निशाना बनाया। इस सब के बीच हमास के अलकसम ब्रिगेड ने इसराइली बलों पर घात लगाकर जबरदस्त अटैक किया है। ये हमला इतना भयानक था कि इसमें कई इसराइली सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें साफ दिख रहा है कि अलकसाम ब्रिगेड के लड़ाके कैसे एक बिल्डिंग में घुसे इजरायली बलों को ट्रैप कर रहा है और चुन चुन कर इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहा है। ये ऑपरेशन अलकसाम द्वारा उसके लड़ाकों ने उसी क्षेत्र में एक माइन फील्ड में विस्फोट किया, जिसमें कई इजरायली वाहन और इंजीनियरिंग उपकरण निशाना बने। इस हमले में 3 इजरायली सैनिक मारे गए और बाकी के घायल हो गए, जिन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा। इसके अतिरिक्त अल कसाम ब्रिगेड ने डेयर अल बलाह के पूर्व में अलग अलग अभियानों में 2 अल यासीन 105 गोले का उपयोग करके 1 इजरायली टैंक और 1 बख्तरबंद कार्मिक वाहन APC को निशाना बनाया। ऑपरेशनों को जारी रखते हुए अलक्सा शहीद ब्रिगेड ने गाजा शहर के दक्षिण पश्चिम में नेटजरेम एक्सिस के साथ कब्जे वाले बलों और सैन्य वाहनों के जमावड़े पर हमला करने की घोषणा की, जिसमें 2 107 रॉकेट और कई भारी कैलिबर मोर्टार गोले दागे गए। इसके साथ ही एक ज्वाइंट ऑपरेशन में अलक्सा शहीद ब्रिगेड और अल नासिर सलाह अल दीन ब्रिगेड ने पूर्वी डीर अल बलाह में इजरायली सैन्य जमावड़े को 60 मिलीमीटर मोर्टार गोलों से निशाना बनाया। इस हमले को लेकर इसराइल ने भी कहा है कि एक बल इमारत में घुस गया था जबकि दूसरा समूह बाहर स्थिति में था। IED में विस्फोट हो गया जिससे 1 सैनिक की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 3 अन्य मामूली रूप से घायल हो गए हैं।